अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और कॉल भी तो पता है क्या करना है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हाथों में मेहंदी लगाकर सज धज कर दूल्हे राजा का इंतजार दुल्हन करती रही, मगर दूल्हे राजा बारात लेकर नहीं आया। दरअसल कलवा के भास्कर नगर के रहने वाले असलम चौधरी की बेटी शबनम चौधरी की शादी मुंबई मंडाला मानखुर्द एकता नगर के रहने वाले इरफान खान से होने वाली थी, और 28 दिसंबर को शबनम चौधरी की बारात मुंबरा के चूहा पुल के पास सहारा मैरिज हॉल में आने वाली थी, मगर दुल्हन का पक्ष बारात आने का इंतज़ार इस हॉल में करता रहा, लेकिन बारात नहीं आई। दुल्हन के पिता ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर बारात क्यों नहीं आई, और इसके लिए दुल्हन के पिता असलम चौधरी ने दूल्हे पक्ष को फ़ोन करना शुरू किया। दूल्हे के पिता ने बताया कि लड़के वालों को कई बार फ़ोन किया गया कि बारात क्यों नहीं आई, क्या वजह है। असलम चौधरी ने बताया कि कई बार कॉल लगाया मगर किसी ने कॉल नहीं उठाया, और कुछ देर बाद कॉल उठाया गया तो बताया गया कि जो दूल्हे राजा हैं इरफान खान, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए हैं और उन्हें चोट लग गई है, और इतना कहकर फ़ोन काट दिया गया। जिसके बाद लड़के के पिता और लड़के के भाई अपने रिश्तेदारों के साथ मानखुर्द दूल्हे राजा इरफान खान के घर पहुंच गए। बताया गया कि इरफान खान को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद इरफान खान को घर वापस लाया गया। लड़की के पिता और लड़की के भाई और तमाम रिश्तेदार दूल्हे से मिलने की कोशिश करने लगे कि हमें मिलना है, लेकिन लड़के के दूल्हे के परिवार के लोगों ने मिलने नहीं दिया। हालांकि काफ़ी देर बाद जो है इन्हें मिलने भी दिया गया, लेकिन बात बनी नहीं। और इन लोगों से ये कहा गया, जो लड़के के पिता है उन्होंने बताया कि उनसे कहा गया कि लड़की पसंद नहीं है। दुल्हन के पिता ने जब सुना कि कहा जा रहा है कि लड़की पसंद नहीं है, इसके बाद ये लोग स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो वहां कहा गया कि शादी जिस हॉल में होने वाली है, जहां बुकिंग की गई है, वहां पर शिकायत दर्ज की जाएगी। जिसके बाद ये परिवार मुंबरा पुलिस स्टेशन पहुंचा और यहां पर शिकायत दर्ज करने की कोशिश की जाने लगी। पुलिस ने इनसे कहा कि आप लिखित में पहले अर्जी दीजिए। जिसके बाद दुल्हन के जो पिता हैं असलम चौधरी, इन्होंने पुलिस को लिखित में अर्जी दिया है, आगे कार्रवाई करने की मांग की है। मीडिया से बातचीत करते हुए दुल्हन के पिता असलम चौधरी और दुल्हन के जो भाई हैं दिलशाद चौधरी, इन लोगों ने क्या कुछ बताया, क्यों नहीं बारात आई, क्या पूरा मामला हुआ, वहाँ पर जब ये लोग गए लड़के पक्ष के पास तो वहाँ पर क्या कहा गया, सुनिए क्या बताए इन लोगों ने। क्या नाम है आपका और आपकी लड़की का? वो शादी होने वाला था कल, क्यों बारात नहीं आई, क्या वजह थी? हमारा नाम है असलम, लड़की का नाम है शबनम। कल बारात आने वाली थी मंडाला से, और हम लोग 2 बजे फ़ोन करके पूछे उनको, फ़ोन किए हम लोग 2 बजे, 4 कॉल किए तो नहीं उठाया। 5वें बार में उठाया तो बोलता हमारा लड़का सीढ़ी से गिर गया है, तो खाली इतना बोल के उसने कॉल कट कर दिया। बाद में फिर हम लोग मतलब कॉल किए तो नहीं, उसने रिसीव नहीं किया। बाद में हम लोग यहाँ से मतलब गए 2-4 लोग देखने के लिए कि लड़के को हुआ क्या है, मतलब कोई ज़्यादा सीरियस मैटर हो गया कि क्या हुआ है, तो मालूम पड़ा कि वो तो हॉस्पिटल लेके गए। तो घर वालों से हम लोग पूछा कि कौन से हॉस्पिटल लेके गए, तो वो लोग घर वाले ने बताया नहीं कि कहाँ लेके गए। फिर मतलब 1 घंटे के बाद वो लोग वापस लेके आए, 1 घंटे में वो लोग ट्रीटमेंट करा के पूरा लेके वापस घर पे आ गया। फिर वो लोग घर के अंदर सीधा लेके गए, हम लोग गए देखने के लिए तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे,
दरवाज़ा नहीं खोला, उसके बाद में थोड़ा टाइम के बाद दरवाज़ा खोला, हम लोग गए देखे अंदर, लड़का लेटा हुआ है, थोड़ा हल्का फुल्का पट्टी बंधा हुआ था पैर में उसके हाथ में, ऐसा कुछ था नहीं जैसा वो बताया वैसा कुछ था नहीं। फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ पे सब मतलब बहुत लोग खड़े थे कि क्या मतलब क्या करना है अभी क्या नहीं करना है, ये सब सोच के वहाँ पे खड़े थे। फिर लड़के के बाप से बात के कोई बात करने को राजी नहीं था वहाँ पे हम लोग से कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद में मतलब लड़के के बाप ने कुछ बोला ऐसा कि मतलब हमको थोड़ा टाइम दो फिर बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग बोले लड़के को लेके चलो हॉस्पिटल, एम्बुलेंस बुलाया हम लोग तो उसको चेक कराएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। फिर उन लोगों ने मना कर दिया उस चीज़ को, पहले हाँ बोला फिर मना कर दिया। फिर हम लोग वो बोले कि मतलब पहले निकाह पढ़ाओ फिर लड़के को लेके जाओ हॉस्पिटल, वो लोग ये मतलब शर्त रख दिया कि पहले निकाह पढ़ाओ फिर लड़के को हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर हम लोग बोला वो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, जब हम लोग चेक करा लेंगे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो है कि नहीं है, अगर होगा तो उसका इलाज कराएंगे, शादी का मसला तो है ही है जो है, तो लड़का भी इतना सीरियस है तो हम लोग दिखाएंगे ना उसको क्या है क्या नहीं। सीरियस कुछ नहीं, सीरियस रहता, सीरियस रहता था वो, वो लोग वो चीज़ को लेके जाने नहीं दिया मतलब वो लोग ना उन लोग के अंदर में रहेगा ना, वो लोग फ्रॉड किया, फ्रॉड बोलते ना फ्रॉड किया हम लोग, हमारे साथ बारात आने वाली थी 28 तारीख 28 दिसंबर बारात नहीं आई, 7 बजे हमको बोल रहा है कि हम मतलब बारात हमारे लड़का लड़की को पसंद नहीं कर रहा, दहेज वगैरह का सब दे दिया उसको, सब दे दिया, सब उसके घर पे रखा हुआ, 2 दिन पहले पूरा दहेज भी पहुंचा दिया, दहेज दिया है 26 तारीख को, 26 को दिया। पुलिस से आप अभी आकर मिले, पुलिस में लेटर वगैरह दिए क्या काम? पुलिस को कल ही लेटर दिया है 3 बजे रात को, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया उन लोगों ने, देर इसलिए हो गई, हम लोग पहले मंडाला गए, हम लोग मंडाला गए, मंडाला से कलवा चौकी में आए, कलवा चौकी से घूम रहे हम लोग मुबरा में आए, इधर FIR हो गया लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। मेरा नाम दिलशाद है, मैं लड़की का भाई हूँ, मैं 28 तारीख को बारात आने के लिए सहारा मैरिज हॉल में बुमरा में, तो मैं सुबह से दोपहर तक मैं अपने काम में बिजी था, तो फिर मैंने फ़ोन किया उनके पास कि मैं पूछूँ मतलब कब तक वो आएंगे यहाँ पे, मतलब उस हिसाब से तैयारी किया जाए। फिर मैं उनको कॉल किया तो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, तो कॉल रिसीव नहीं किया, 2-3 बार मैंने ट्राई किया, फिर ट्राई करने के बाद उसने मैं आधे एक घंटे बाद फिर मैं कॉल किया उनको, तो फ़ोन उठाए तो दुआ सलाम हुई मेरी उनसे, मैंने हालचाल लिया तो उन्होंने बोला कि मतलब बोला खालू आप कब तक बारात लेके आने वाले हो, तो बोले अभी तो थोड़ा अरफान को चोट लग गई है वो थोड़ा गंभीर है ऐसा सा उसने बताया, फिर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। फिर उन्होंने फ़ोन कट किया उसके बाद हमने अपने अब्बू को और अपने भाई लोग को मतलब लेके गया मैं मानकुट मंडाला उनके घर पे गया, उनके घर पे जाने के बाद पूछताछ किया तो उन लोग ने कुछ बता नहीं रहा प्रॉपर, उनके घर पे उनकी मतलब फूफी थी, उनकी अम्मी थी, उनकी बहन थी, उनकी दादी थी, मतलब सब लोग थे। मैं सबसे पूछा मतलब क्या माहौल है, मतलब कैसा हुआ कैसा क्या हुआ बताओ, तुम लोग कहाँ कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किए हो, उन लोग कुछ भी नहीं बता रहे, वो लोग उसकी बहन बता रही PMG हॉस्पिटल में, बोला कौन से PMG हॉस्पिटल में है, वो लोग बोलते हैं इधर 2-3 PMG हॉस्पिटल, अभी मेरे को आइडिया नहीं कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। फिर उन लोग से मैं पूछा फ़ोन करके आप लोग एक बार बात करो पूछो कौन से हॉस्पिटल में, हम लोग भी जाएँ वहाँ पर चेक करते हैं क्या हुआ क्या नहीं, तो उन लोग ने फिर बता नहीं रहा था प्रॉपर। फिर उसके बाद हम लोग ने ना बाहर खड़े थे तो उनके अब्बू ने आधे घंटे के बाद वो लड़के को रिक्शे में मतलब लेके आए घर पर, फिर घर पे लेके आए तो मतलब हमारे भाई थे फरहान, तो उन्होंने क्या हेल्प के लिए बोले लाओ लड़के को मैं पकड़ लेता हूँ, तो उसको झटकार दिया, बोला नहीं हट जाओ तुम, और उसको पट्टी वगैरह बांध के ऐसा प्लास्टर लेके गए घर के अंदर। फिर हम लोग ने गए मतलब देखे तो मतलब कुछ ऐसा था नहीं माहौल, उन लोग ने फिर उसके बाद बोले अरे हम लोग फंस गए, अपने लड़के को बर्बाद कर दिए, मेरा लड़के की ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये वो मतलब दुनिया भर का मगजमारी बताने लग गए, मतलब रोने लगे सब पूरे घर पर। फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद उन लोग घर का माहौल ही चेंज हो गया, सब हंस बोल रहे। अभी और क्या लग रहा है आपकी शादी जो है ना होली की वजह क्या है? सिर्फ फ्रॉड किया गया है, फ्रॉड किया गया सर इसके मेरे साथ, लड़के वालों की तरफ से कुछ मांगनी वगैरह की गई? नहीं, पहले तो मांग नहीं थी, जब भी शादी मतलब डेट फिक्स किया गया था तो उन लोग से पूछा गया था, हमारे मस्जिद के हजरत भी थे मौलाना नियाज चतुर्वेदी साहब, वो भी थे साथ में, मतलब सब थे और भी हमारे दोस्त थे बाप थे सब साथ में, सब बैठे हुए थे, बात हुआ
सबको डेट फिक्स किया गया, पूछा गया कि भाई आपकी कोई मांग तो नहीं है, तो बोले नहीं नहीं कोई मांग नहीं है, तो हम लोग देख लेंगे जो भी साथ में समझ लेंगे आपस में। शादी का दहेज का सामान वगैरह सब वो लोग आप लोग भेज चुके हैं या नहीं? हम लोग ने तो भेज चुका, दो चार पाँच दिन पहले हम लोग उनके घर पे लेके गए। फिर जैसे मतलब अब्बू ने उनसे बात करते थे मतलब कि दहेज कभी पहुँचाना है, तो उनसे पूछे मतलब कि दहेज कभी भेजूँ मैं, तो टाइमिंग बताए वो दोपहर में लेके आऊँगा, तो थोड़ा लेट हो गए, एक दो घंटा लेट हो गए सामान मतलब शिफ्टिंग करने में, टेम्पो में डाल के ले जाने में लेट हो गए थोड़ा, तो उधर ले गए तो उधर दो तीन घंटा खड़े थे। फिर मेरे पास अब्बू का फ़ोन आया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है तू आ यहाँ पे। कितने का सामान लिया होगा? लगभग लाख रुपए की सामान थी वो। आपसे पुलिस वगैरह में आए डोमरा पुलिस स्टेशन में, आपको क्या कंप्लेंट वगैरह क्या फाइल किया गया यहाँ पे? अपना अर्जी दाखिल हुई है, पुलिस ने कहा अभी एक्शन लिए नहीं है,